नहीं होते शायद शिवानी आज बिग बॉस में नहीं होती। अब बिग बॉस में ना होती आज और यूट्यूब चैनल भी ना होती। और मैंने सुना है कि पुलिस भी आई थी आपके घर पर। अरे बहुत पुलिस आती कि हम तो मर जाए तब तुम शादी कर लीजिए। तो कान लगती ना मम्मी हमारा नहीं वो गमार है शिवानी गमार नहीं है पढ़ी लिखी है अल्बेश यादव ही गमार है। ये बिग बॉस में शिवानी जो बेहोश हुई थी क्या मतलब कुछ बीमारी है या बोले कि लोग नाटक कर रहे ऐसा लोग बोल रहे हैं? आपने मारा था आज पछतावा हो रहा है नहीं हो रहा है? पछतावा तो होता ही है। तो मैंने देखा रोड पर मार्केट में लोग इस तरह से पोस्टर चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं यही घर है जो कि शिवानी कुमारी ने यूट्यूब पर पैसे बनवाया हुआ है। यहाँ पहला पेमेंट कब आपके हाथ में आया था? 2 दिन के लिए। स्टेशन ही पर रहे। अच्छा स्टेशन चली गई थी। शिवानी कुमारी अभी सोशल साइट से क्या क्या हासिल किए मतलब क्या क्या कमाई है? कि वोट दें और आगे बढ़ाएं और जिताए ही के लौटा ले। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं औरैया जिले के अरियारी गांव में हूं। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं जो घर दिखाई दे रहा है ये शिवानी कुमारी का दिखाई दे रहा है। आप लोग इन दिनों देख रहे हैं बिग बॉस का जो शो चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में शिवानी कुमार मौजूद हैं और इस समय देखा जाए भारत में या कह सकते हैं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम बातें हैं हम यहाँ पे उनके घर पे आए हुए हैं बात करने के लिए और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग आ जा रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आया तो कुछ देखिए इनका पोस्टर और यहाँ पर बैनर लेकर लोग जा रहे थे तो मुझे लगा दिखाना चाहिए आप सभी को। देखिए मैं भी आ रहा था बाई ट्रेन तो मैंने देखा रोड पर मार्केट में लोग इस तरह से पोस्टर चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वोट करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तो आप लोग स्टेप दिया हुआ है कैसे कैसे करना है आप लोग जाके कर सकते हैं अगर शिवानी को जिताना चाहते हैं क्योंकि देखा जाए गरीब परिवार से हैं और आज अच्छा खासा काम कर रही हैं तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। चलिए घर में चलते हैं कुछ लोग से मिलते हैं देखते हैं जो मिलते हैं उनसे बात करने प्रयास करते हैं। तमाम हमारे दिमाग में क्वेश्चन है या आप सभी दिमाग में चल रहा होगा तो हम उनसे रिलेटेड बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा यूट्यूब के पैसे से देख सकते हैं ये शिवानी कुमारी ने घर बनवाया है देख रहे काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे बैनर दिखाई दे रहा है ठीक है और यहाँ पे लिखा हुआ है बिग बॉस के घर में भर देगी जोश शिवानी उड़ा देगी सभी के होश। क्या बात है काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है जो भी भाई साहब ने लिखा हुआ। आइए अंदर चलते हैं देख सकते हैं यही घर है जो कि शिवानी कुमारी ने यूट्यूब पर पैसे बनवाया हुआ है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं देख रहे हैं और लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। अब हम उनसे मिलेंगे क्योंकि माता जी से डायरेक्ट बात करते हैं। माता जी कैसे हैं? ठीक है तबीयत सही है? सही है। क्या कहिएगा आज शिवानी देखा जाए तो बिग बॉस में पहुंच चुकी हैं जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हूँ। एक समय था इंटरव्यू में शिवानी ने बोला है माता जी ने हमें काफी मारा है क्यों मारा था आपने? वीडियो बनाए एक ऊपर मारो तो अच्छा लड़का आदमी जेंट्स इधर उधर के कहते हैं औरतें कहती की लड़की बेकार हो जाए नचनिया आ जाए वो तो हमने खींचा तो हमने मारो। तो आपने मारा था आज पछतावा हो रहा है नहीं हो रहा है? पछतावा तो होता ही है, हो रहा है। बिल्कुल क्योंकि आपने गलत आपको नहीं पता था ना कि सोशल साइट से कुछ किया जा सकता है। हाँ सही बात है और आज देखा जाए सोशल साइट की वजह से ही देखा जाए यूट्यूब की वजह से आज शिवानी बिग बॉस पहुंची है। हाँ और का बिग बॉस पहुंची है। और मैंने सुना है कि पुलिस भी आई थी आपके घर पर। अरे बहुत पुलिस आती काहे लॉकडाउन चल रहा था ना लॉकडाउन में लोग शिकायत कर देते पुलिस बुला देते जो हाँ क्या है वो चल रहो वायरल का बोलो वायरल चल रहो और सबका करोना हो जाए जो हो जाए इनके घर आदमी आते हैं औरतें आती जे हो जाए वो हो जाए तो पुलिस आती थी। शिवानी अक्सर वीडियो में मामा जी का नाम लेती रहती है मामा जी जो इस समय नहीं रहे हैं। अच्छा सगे मामा थे? नहीं सगे मामा नहीं सगे बोल रही थी सगे मामा से बढ़ के वो सगे मामा तो ही बढ़ के आते सगे मामा तो नहीं कर पाते। अच्छा मामा जी क्या हुआ था? कैंसर है। काफी सहयोग किए हैं मामा जी? हाँ बिल्कुल बहुत सहयोग किया उसने हमारी शिवानी के साथ जो कह दे तो सही करने लगा तू। हाँ एक नाम आता है अभिषेक का नाम आता है अभिषेक सर बार बार नाम लेती है शिवानी ठीक है तो उनका भी सहयोग रहा है क्या? हाँ वे तो उनके मैनेजर ही हैं। मैनेजर है जी। अच्छा अब जब आपने डाटा था मना किया था शिवानी को तो अभिषेक ने शायद आपको समझाया था कि हाँ करने दीजिए ऐसा कुछ बोला था? हाँ बोला था उन्हें बोली थी कि आंटी जी करण देव शिवानी को वो तो बहुत पैसा वाली हो तुम काहे परेशान हो तब हमने सहयोग दिया। अच्छा तो ये पैसा वगैरह कब आपको मिला था जब आप वो वीडियो बना रही थी टिकटॉक बैन हुआ था फिर वो यूट्यूब पे आई थी तो पहला पेमेंट कब आपके हाथ में आया था?
अब हमें जूता पता नहीं, लेकिन 8,000 रुपया हमें मिले थे। 8,000 जी। तो 8,000 जब आया तो आपको लगा कि नहीं कुछ कर, सही कर रही बेटी? हाँ तब सही लगो। अच्छा। और कुछ लड़के जब फर्स्ट टाइम घर पर आए थे, वीडियो वायरल हुआ था, तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या कुछ लड़के जब वीडियो आपका वायरल हुआ था, बहुत सारे लड़के आए थे घर पर, तो आपने सुनी डाटा था कि अब लड़के भी आ रहे नाचने गाने के लिए, सब बोले? हाँ बोले थे। हम कह लड़का का करना है, टेम्पू भर कहीं आओ। हम कही लड़का का करना है, कहीं हमका जाने का करना है, हमने कहीं बिना बुलाए कैसा यहाँ आए गए। तो उन्हें हमने डांटा लड़कन को भी, हमने यहाँ क्या आए बोले टेम्पू भर के। अरे आंटी दीदी तुम्हें पता नहीं? हमने कही नहीं। तो कही वो तो हम कही वो वायरल हो गई, वे का बोल फेमस हो गई, तो हम उनसे मिलने आए, हम उनके सब्सक्राइबर अपना। हमने कही कैसे सब्सक्राइबर हो, हम नहीं जानते हो, ऐसे ही बोले हम। तो फिर सिवानी हंसन लगी, जो गोरे लाल हंसन लगो लगो बना दे वीडियो बुआ। अब तो सिवानी जीत गई, कही फेमस हो गई। हमने कही हो गई कही हाँ, फिर हमने सहयोग दो, सहयोग देना शुरू कर दिया जी। शुरू शुरू में काफी स्ट्रगल की है सिवानी? बहुत। शुरू शुरू में क्या किए थे, वही जो कहना लड़कियां वीडियो बनाती थी, स्कूल पढ़ने जाती थी, और जब लड़कियां स्कूल से बाहर होती थी तो सब वीडियो इकट्ठी होकर बनाती थी। इसको जुनून से पैदा हुआ कि हमारे पास मोबाइल हो तो। कसम भी खाई थी कि नहीं वीडियो बनाएंगे, ऐसा बोली थी। हाँ। और जब हमने मारा कूटी करी घर से बाहर हो गए, तब बिल्लीबाज आई तब कसम खाई, अब नहीं बनाए मम्मी कसम, तुम्हारी कसम खा तब नहीं बनाए, तुमने सकेरा। फिर वह चुप्पा चोरी बनाने लगी, हमारी हमारी कसम तोड़ दी। अच्छा। कोई बात नहीं, शायद आप ये घर से छोड़ के चली गई थी, ऐसा भी सुनने का आया था कि हम चले गए घर छोड़ के। क्यों चली गई थी? मनती नहीं वीडियो बनाना। अच्छा, वो वीडियो बनाती इसलिए आप घर छोड़ के चली गई थी? हाँ, कि तुम वीडियो बनाओ, हम बदनामी अपनी नहीं बर्दाश्त कर पाए। हाँ। हाँ। अच्छा। तो कितने दिन चली गई थी घर छोड़ के? हम 2 दिन के लिए स्टेशन ही पर रहे। अच्छा, स्टेशन चली गई थी? हाँ, कहूँ जगह ही नहीं आती जाने के लिए। हाँ। और जहाँ जाते तहाँ जे पहले पहुँच जाते सवरे। अच्छा। तो हम स्टेशन ही स्टेशन रहे। हाँ। आपने जब स्कूल जा रही थी, आपने शायद सुना था कि 8,000 रुपये भी दिया था, सुनने में आया था। 7,000 दिया था। हाँ, उन सिवानी ने मोबाइल लो, वहाँ फिरोजाबाद गई, उन्हें जा कही कि हम फिरोजाबाद जाए। हमने कहे कही दीदी फोन आओ, हमने कहे के लाए कि तबीयत नहीं ठीक, तब चली गई। हमने कही चली जाओ, चली गई। तो वहाँ उन्हें भी बोली दीदी हमें फोन ले दो, कही फोन ले दें कि हाँ पैसा कितने हैं, कही 8,000-7,000। तो 10,000 को बीबी को फोन आओ। हाँ, तो उन्हें फिर बानोई ने उनके पूजाई, बहन ने पूजाई, उन्हें फोन ले दो, वहीं तो स्टार्ट कर दे वीडियो। तब से मतलब कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू कर। अभी बिग बॉस में गई है, किसका सबसे बड़ा हाथ है मतलब बिग बॉस पहुंचाने में, किसका बड़ा सहयोग था? सबसे बड़ा सहयोग है का नाम अभिषेक सर का। अच्छा, जी। अगर वो नहीं होता शायद शिवानी आज बिग बॉस में नहीं होती। अब बिग बॉस में ना होती आज, और यूट्यूब चैनल भी ना होती। अच्छा। जी, उन्हें ने सब सिखाया, उन्हें ने आगे बढ़ाओ, और उन्हें बदौलत आज बिग बॉस में गई जी। अभिषेक जी, मतलब अभिषेक बारे में थोड़ा बताएंगे, अभिषेक कौन है? अभिषेक कौन है जो यहाँ मतलब भाई है कि यहाँ गांव के हैं, कहाँ के हैं? जींजक के हैं, भाई बन के रहते हैं। अच्छा, जींजक के हैं। एक उनका क्लिप वायरल काफी हो रहा है जिसमें वो बेहोश हो गई थी, तो आप माता जी जानना चाहेंगे क्या सच में वो बेहोश हुई थी या लोग कह रहे हैं नाटक करें, कुछ लोग ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा माता जी बताइए, बिग बॉस में शिवानी जो बेहोश हुई थी, क्या मतलब कुछ बीमारी है या बोले लोग नाटक कर रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं? बीमारी सर ऐसा है कि वो बीपी उनको घट जात। अच्छा। बीपी घट जात, और जो बीपी कब से घटने लगी, वहाँ स्कूल में मास्टर ने सर में डंडा मार दिया था। अच्छा। वहीं से बेहोश होने लगी। अच्छा। जी, वहीं से बेहोश ही, स्कूल वाले बेहोश ही लाद के लाए थे यहाँ। अच्छा, मतलब वहाँ बेहोश हुई थी, यहाँ तक बेहोश ही आई थी। तो जब आला जला देखी तो मेरे छक्का छूट गए कि जाए का हो गए, हम रोना पिटना पड़ गए। जब रोना पिटना पड़ गए तो पानी आने किंच कंच आए, और
उनको होश में लाए, डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर को दिखाते हुए उनने जा कही कि ये टेंशन करेंगी तो ये बेहोश होंगी, इन्हें टेंशन से दूर रखो। हाँ, तो इसी तरह बिग बॉस में टेंशनें हुई, बीपी घटो और बेहोश हो गई। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, जो लोग बोल रहे थे शिवानी कुमारी नाटक कर रही थी, तो ये नाटक नहीं है। एक्चुअली के सर में चोट लगा था और जो ज़्यादा टेंशन लेती है तो उनको ऐसा चक्कर आ जाता है, ऐसा माता जी बता रही हैं। माता जी ये बताइए, शिवानी कुमारी अभी सोशल साइट से क्या क्या हासिल की है, मतलब क्या क्या कमाई है? क्या क्या कमाई है? अब वो हमें नहीं पता, यो भेज जानती हैं। लेकिन इतना जाना था कि घर मकान उन्हीं ने बनाया, जे भी और जो उधर है वो भी। हाँ, और घर का खर्चा चलाती हैं और इधर उधर वालिन का भी खर्चा चलाती। हाँ, जो गरीब है उनकी खूब मदद करती, इतना जानते सर। अच्छा, और हम यूट्यूब चैनल के बारे नहीं जानते। पढ़ाई लिखाई कितनी है? लोग जैसा कि कुछ लोग बिग बॉस में गई थी, एक क्रिएटर हैं जिनका नाम है इल्विस यादव, उन्होंने बोला था गवार, बोला था गवार वर्ड, ये तो मातृभाषा है इनका, बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने गवार बोला था, तो क्या वो गवार है, पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी है, इल्विस यादव ही गमार है। अच्छा। यादव है ना, वो गमार है, वो गमार है, शिवानी गमार नहीं है। अच्छा। जी, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बताइए लोगों को, कहाँ तक है? बीए तक। अच्छा, बीए की है, क्या बात है। देखिए, ये सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है कि जैसा लोग लैंग्वेज सबसे बोलती हैं तो लोगों का कहना है कि गंवार है, लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा, माता जी कह रहे हैं बीए की हुई है शिवानी कुमारी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, तभी आज यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और थोड़ा सा हम फैमिली बारे में बात करना चाहेंगे, माता जी बताइए फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हमारे दामाद हैं और हमारी शिवानी हैं, हम हैं और दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, हमारी बिटिया है बड़ी वाली। अच्छा। जी, चलिए, अक्सर लोग जानना भी चाहते हैं कि शिवानी कुमारी शादी आप कब कर रही हैं? अब शादी की तो यही उम्मीद है कि जब भी कह रही कभी हमें घर संभाल लेने दो। अब हमारी उम्र कुछ नहीं है, हम शादी अपनी जब करें तब तुम्हें बताए देंगे। अच्छा, आपको टेंशन होती ही नहीं शादी के लिए? बिल्कुल होती, जब बीमार हो जाए तब उनसे हम कहते हैं कि हम तो मर जाएं तब तुम शादी कर लीजिए। तो कान लगती ना मम्मी हमारा नहीं दिए, शादी तुम्हारी जरियात रही है। इस समय शिवानी कुमारी बिग बॉस में बनी हुई हैं और आप लोग उम्मीद करता हूं कि आगे सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मैं शिवानी कुमार के घर पर आया था और यहां पर शिवानी की माँ थी, उनसे हमने जाने का प्रयास किया, बहुत दिमाग में जो हमारे क्वेश्चन चल रहा था, आए आपसे भी के दिमाग में जो क्वेश्चन होगा इसका जवाब मिल गया होगा, अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप सभी का जो क्वेश्चन रहेगा उसको पिक करेंगे और फिर से हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। चल रहे माता जी, क्या कहिएगा? बहुत सारे ऑडियंस देख रही है शिवानी के, आपको देख रही है, क्या कहिएगा शिवानी के बारे में? उन तक यही अपील करना चाहते हैं कि वोट दें और आगे बढ़ाएं और जिताए ही के लौटा ले आए, देश रोशन, नाम रोशन करें, अपना देश का नाम रोशन करें, अपने देश की बिटिया ऊपी की बिग बॉस में पहुंची है उसका सपोर्ट करें। जी, सबसे वो नीचे से उठी हैं, उस सबसे उनको सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। चलिए, हम भी शुभकामना देते हैं कि शिवानी कुमार जीत के आए और अपने गांव देश का जो है नाम ऊंचा करें। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।